की जो सीट्स हैं आगे वाली, नो डाउट बहुत कंफर्टेबल है। पीछे वाली सीट मैं मानता हूँ कि थोड़ी छोटी है, बट अगर आपकी फैमिली की हाइट, फैमिली में हाइट अगर 5.6 के आसपास है तो कोई भी इशू नहीं है। चार लोगों के लिए बड़ी सूटेबल गाड़ी है, फैमिली कार है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, कहीं भी घुसा लो कहीं भी चला लो। तो इन 10,000 किलोमीटर में आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी लगती है? गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करोगे तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। तो मोस्टली गाड़ियाँ पहाड़ों पे हैचबैक में इग्निस थी, दिल्ली में आपको देखने नहीं मिलती, पर उत्तराखंड में इतनी गाड़ियाँ थी। सबको राम राम, वैल्यू ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं विवेक जी, जो कि पिछले एक साल से इग्निस चला रहे हैं, और आजकल इग्निस की सेल्स इतनी अच्छी जा नहीं रही है, बट गाड़ी जो ये प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है। तो आइए जुड़ते हैं विवेक जी से और जानते हैं इनकी इस गाड़ी को लेने का रीज़न। तो विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वैल्यू ड्राइव में। थैंक यू सो मच रवि। तो विवेक जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि इग्निस ही क्यों? इग्निस क्योंकि ये कॉम्पैक्ट गाड़ी है, दूसरा बजटेड गाड़ी है, तीसरा जो यूनिक फीचर इसके अंदर है किसी भी गाड़ी में नहीं है। तो सबसे बड़े फीचर की बात करोगे तो इसका 15 इंच का टायर तो सबसे बड़ी यूएसपी है। शायद इसीलिए मारुति सुजुकी जो है इसको अर्बन एसयूवी कह के बेचती है, और ऐसा नहीं है कि इसकी सेल कम है तो ये लोगों की पसंद नहीं है। तो देखो, सेल तो इसकी पिछले साल आया था थोड़ा सा बूम इसकी सेल में, कि 3,500 यूनिट्स के करीब चला गया था, बट अभी जो मैं देख रहा हूँ सेल्स में तकरीबन 2200-2300 आ गया है। मतलब मारुति के हिसाब से जो सेल्स एक्सपेक्ट करती है मारुति, वो तो सेल्स इसको नहीं मिल पाती, बट प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। अगर आप मतलब सेल की बात करोगे इस गाड़ी के वेरिएंट की, तो अर्बन एसयूवी ज़रूर कहती है कंपनी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा एक साल में, जैसे मैंने अभी हाल ही में एक बद्रीनाथ का ट्रिप किया था इसके साथ, 1100 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, तो मोस्टली गाड़ियाँ पहाड़ों पे हैचबैक में इग्निस थी, दिल्ली में आपको देखने नहीं मिलती, पर उत्तराखंड में इतनी गाड़ियाँ थी। तो एक होता है ना कि आपने गाड़ी जो आपके पास है, आपका दिल खुश हो जाता है उसको देख के, हाँ इतनी गाड़ियाँ पहाड़ों में है। तो ये बनी उसी चीज के लिए है। जो इसका जो सस्पेंशन की बात करोगे, थोड़ा स्टिफर साइड है, झटके थोड़े ज्यादा लगते हैं, बट लेकिन आप पहाड़ों पे लेके जाओगे, किसी ऑफ रोडिंग पे लेके जाओगे तो बहुत सक्सेसफुल गाड़ी है। क्योंकि उसका रीजन एक ये भी है पहाड़ों में सक्सेस होने का, कि 1.2 फोर सिलेंडर आता है, तो एक तो पावर भी ज्यादा मिलती है, पावर भी ज्यादा है, और मारुति सुजुकी की अगर बात करोगे, इनके इंजन की बात करोगे तो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इंजन है, नो डाउट। आप मतलब हुंडई के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन टियागो वगैरह जो है वो इसके सामने ठहरती भी नहीं है, क्योंकि थ्री सिलेंडर इंजन की बात नहीं है। थ्री सिलेंडर इंजन मारुति के पास भी है, बट लेकिन वो भी रिफाइंड है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो फोर सिलेंडर इंजन है, तो अल्ट्रा रिफाइंड इंजन है। अगर आप अंदर बैठते हो केबिन में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट। तो आपको ये गाड़ी पड़ी कितने की थी? ये गाड़ी मुझे अराउंड पड़ी थी 6.05, डेल्टा वर्जन है ये, बट इसमें मुझे 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिली थी। अच्छा, अगर मैं बात करूं एक्सचेंज बोनस की, अगर एक्सचेंज बोनस अगर इसमें से लेस कर दूं और आपकी 3 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी इसमें से लेस कर दूं, तो 5.75 की बनी थी, जो कि बहुत ही बेस्ट डील थी। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी ये डील। तो प्लीज डोंट कंपैरिजन दिस डील विद यू। आपको ऐसी क्यों डील, ऐसी कैसे डील मिल गई आपको? बस अपना अपना नेगोशिएशन स्किल है। तो मतलब हमारी ऑडियंस भी सीखना चाहती है। बेसिकली मैंने ये गाड़ी ली थी दिसंबर में, दूसरा था कि मैंने कंपनी के नाम से ली थी, तीसरा था कि दिसंबर एंड में आपको पता ही है कि मॉडल पुराने हो जाते हैं, तो वो भी अपने बेचने को रेडी रहते हैं। तो कंपटीशन है ना, कंपटीशन की दुनिया है, कंपटीशन का जमाना है। 3-4 डीलर से जो मुझे बेस्ट रेट दे देगा मैं उससे ले लूंगा। एक ने बोला कि मैं आपको 648 की दे सकता हूँ, 648 से नेगोशिएशन शुरू हुआ था। अच्छा, देन उसको 620 पे लेकर आया मैं, देन उसको मैं लेकर आया 610 पे। एक कंपनी है एको ड्राइव करके, उस पर 611 की आ रही थी गाड़ी। तो मैंने बताया कि भाई एको पे मुझे 611 की मिल रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सर आपको 605 में दे दूंगा। अब 605 में तुम मुझे क्या दोगे? इनफैक्ट मुझे एको ने मतलब एक और ऑप्शन दी कि अगर आप बुकिंग करा देते हो तो मैं आपको 11,000 का और बोनस डिस्काउंट दूंगा। अगर तो इस तरीके से नेगोशिएशन हुआ, जो बेस्ट दे देगा मैं उससे ले लूंगा भाई, मैं क्यों पैसे ज्यादा दूंगा, कोई भी नहीं देना चाहेगा ना। बिल्कुल हाँ। तो कभी भी एक गाड़ी खरीदो तो 3-4 एजेंसीज के पास जाके, डीलर्स के पास जाके रेट्स जरूर चेक करो। बिल्कुल। और क्या ऑप्शंस दे रहे हैं आपको डील के अंदर। तो ये डेल्टा वेरिएंट आपने बताया। हाँ जी। तो जैसे आपने सेकंड वेरिएंट आपने इसमें ले लिया, अभी जो प्राइसिंग बढ़ी हुई है इसमें शायद दूसरी गाड़ियों की बेस वेरिएंट में नहीं आते अगर आप 1.2 इंजन लोगे। हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप उस टाइम पे कौन कौन सी गाड़ियां देख रहे थे? मैं उस टाइम टियागो देख रहा था बेसिकली। मैं तो थोड़ी सी आजकल एसयूवी का ट्रेंड ज्यादा है मार्केट में, तो मैं ब्रिजा टाइप की कोई गाड़ी देख रहा था कि मुझे ब्रिजा मिल जाए, या इसके पैरेलल ही है ना 3-4 गाड़ियां थी। इनफैक्ट मैंने
रेनोल्ट की एक गाड़ी आती है काइगर जी, वो भी मैंने कंसीडर की थी, बट मेरे पास पार्किंग का इशू था, स्पेस का इशू था, तो इसलिए मैंने सोचा कि हैचबैक ही ले लेते हैं और गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, क्योंकि दिल्ली जैसी सिटी में अगर आप कहीं पार्किंग किराए पे लेते हो तो 2000 रुपये महीना, दैट मीन्स 24,000 पर ईयर एनुअल आपके चार्जेस, फिर वो इजीनेस भी नहीं रहती ना, पहले पार्किंग जाओ फिर जाके लो। और मैंने गाड़ी भी अगर पार्किंग में खड़ी की हुई है, फॉर एग्जांपल मेट्रो स्टेशन मेरे यहाँ से 500 मीटर दूर है, अगर मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी और मुझे जरूरत है गाड़ी की और मुझे 500 मीटर जाना पड़ रहा है गाड़ी लेने, तो डजंट मेक सेंस, वो भी एक टास्क बन जाता है, पहले गाड़ी वहाँ से लेके, डजंट मेक सेंस, आपको गाड़ी की जरूरत ही नहीं है मेट्रो सिटीज में, आपके पास कैब्स है, कैब्स यूज करो, अगर गाड़ी लिया तो गाड़ी आपके पास खड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, तो इसको लेने का रीजन यही था कि हालांकि अगर इसकी विड्थ देखोगे तो 1690 mm की है, ठीक है, जो कि अगर आप हुंडई ओरा की बात करोगे, ग्रैंड आइटन नियो की बात करोगे, उससे भी 10 mm ज्यादा है, कम नहीं है। जैसे आप एक साल आपको लगभग गाड़ी लिए हो चुका है, तो इस एक साल में आप गाड़ी चला कितना चुके हो? अराउंड 10,000 किलोमीटर आई हैड डन। अभी तक तो आपकी पेड सर्विस इसमें आ चुकी होगी? या ऑल आर कंप्लीटेड, है ना, तो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस आपका कैसा चल रहा है? अगर आप सर्विस की बात करते हो, फ्री सर्विस की बात, तो ठीक है, सेटिस्फाइड है, बट जैसे मतलब फर्स्ट सर्विस पे गई थी, गाड़ी ठीक से क्लीन नहीं हुई, मैंने उनको कॉल किया तो वो आए, दोबारा गाड़ी लेके गए और दोबारा क्लीनिंग करके दी, ऐसा नहीं है कि नहीं करके दी, बट फ्री सर्विस के नाम पर आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ फ्री मिलेगा, सिर्फ वॉशिंग फ्री मिलती है और जो गाड़ी का चेकअप है वो फ्री मिलता है, और उसके अलावा आपको सब कुछ पे करना पड़ेगा। हाँ, जो भी कंज्यूमेबल है वो जाएंगी। अगर आप सोचोगे कुछ फ्री मिलेगा, कुछ फ्री नहीं मिलता, इनफैक्ट मैट्स वगैरह जब आप गाड़ी परचेज करते हैं, पहले की गाड़ियों की बात अलग है, बट अब की गाड़ियाँ जब भी परचेज करते हैं तो एक्सेसरीज के नाम पर मैट्स वगैरह सब कुछ आपको पे करना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपने जैसे एक्सेसरीज की आप बात कर रहे हैं, तो आपने वहाँ से शोरूम से क्या क्या एक्सेसरीज ली थी? शोरूम से मैंने रेन वाइजर लगवाया, बम्पर के प्रोटेक्टर लगवाए, डोर प्रोटेक्टर लगवाए, पीछे का क्या बोलते हैं उसे, आई डोंट नो नाम, ग्लास लाइन स्पॉयलर वो लगवाया। तो मतलब आई वुड रिकमेंड के कंपनी से ये सब चीज़ें लगवानी चाहिए, क्योंकि इनकी जो स्टिकीनेस होती है, जैसे अगर आप क्रोम की बात करो तो वो क्रोम है ना, 15 साल भी अगर आप गाड़ी रखते हो वो क्रोम खराब नहीं होगा, अगर लेकिन आप आफ्टर मार्केट जाते हो तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू, क्योंकि वो 2 साल में ही है ना उसका जो क्रोम है वो खराब हो जाता है। हाँ, वो हल्का सा रस्टिंग वाला इफेक्ट आने लगता है, या येलो पड़ने लगता है। हाँ, बिल्कुल, ये एज इज रहेगा आपका। बिल्कुल, अभी भी ऐसे ही जब मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कल ही लगवाया। आपने बताया कि आप गाड़ी 10,000 किलोमीटर चला चुके हैं, तो इन 10,000 किलोमीटर में आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी लगती है? गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करोगे तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव, क्योंकि थ्योरेटिकल आपको है ना बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, बट जब आप प्रैक्टिकल में आते हो तो प्रैक्टिकल में आपको पता चलता है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस है कैसी जब आप चला के देखते हो। तो 10,000 किलोमीटर के बाद अगर आप कहोगे एवरेज की बात करोगे, अभी रिसेंटली मैं एक ट्रिप पे गया था बद्रीनाथ, जिसमें अराउंड 1100 किलोमीटर गाड़ी चली है, 1100 किलोमीटर गाड़ी चली है, 1100 में से लगभग 650 से 700 किलोमीटर पहाड़ों पर चली। यू कांट इमेजिन के इसकी एवरेज जो है 18.5 आप खुद लगा सकते हो, 1100 किलोमीटर को आप डिवाइड करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। एक चीज और बताइए कि आपको इस गाड़ी के साथ दिक्कत क्या क्या आ रही है? अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड हो उस गाड़ी से। देखो, पहले हम गाड़ी की यूएसपी की बात करते हैं। गाड़ी की यूएसपी की बात करोगे, 15 इंच के टायर, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, साथ में कंपनी आपको ब्रिजस्टोन के टायर ऑफर कर रही है। हाँ। किसी भी बड़ी गाड़ियों में भी ब्रिजस्टोन के टायर नहीं आते, इतने आसानी से तो नहीं मिलते। ब्रीजा की बात करोगे, इस सेगमेंट की बात करोगे तो नहीं मिलते हैं। इसका जो फ्रंट ग्रिल पैनल है, अगर आप देखोगे फ्रंट ग्रिल पैनल को, तो थोड़ी एसयूवी वाली झलक आती है, एसयूवी वाली झलक आती है। इनफैक्ट ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला, मेरा एक कलीग मुझसे आगे गाड़ी चला रहा था, मैं उसके पीछे था और कंटिन्यूसली उसके पीछे चल रहा था, तो वो ये सोच रहा था यार इतनी भारी गाड़ी ली हुई है इसने एसयूवी, ये मुझसे आगे क्यों नहीं निकाल रहा। तीसरी चीज, इसकी जो सीट्स हैं आगे वाली, नो डाउट बहुत कंफर्टेबल है। पीछे वाली सीट मैं मानता हूँ कि थोड़ी छोटी है, बट अगर आपकी फैमिली की हाइट, फैमिली में हाइट अगर 5.6 के आसपास है तो कोई भी इशू नहीं है। 4 लोगों के लिए बड़ी सुटेबल गाड़ी है, फैमिली कार है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, कहीं भी घुसा लो, कहीं भी चला लो। हाँ, ये तो ठीक है। अगर आपको इसका सर्कल भी देखना होगा तो इसका सर्कल भी बहुत छोटा है घुमाने के लिए। इसकी जो फिनिशिंग दी है गाड़ी की, बहुत ही अच्छी दी है, जो कि आप एसयूवी से कंपैरिजन कर सकते हो, कि जैसे होता है ना कि आपको फ्लैट डैशबोर्ड दिया है, वैसा नहीं है। अगर आप अभी इंटीरियर आप देखेंगे, अभी देखेंगे तो आप अंदर देखना, इसके 260 लीटर का इसका डिग्गी है। अगर आप बात करो तो डिग्गी में इतना स्पेस है कि आप 2 लोग बिठा सकते हो आराम से।
इतना स्पेस है। हाँ, बट हाँ। जो जिस सेगमेंट की गाड़ी आती है उस हिसाब से थोड़ा सा बूट स्पेस इसमें मुझे बाकी गाड़ियों के हिसाब से थोड़ा कम लगता है। नहीं ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। जैसे ये डेल्टा वर्जन है, डेल्टा वर्जन की अगर आप बात करोगे तो इसमें जो पीछे वाली सीट है 60-40 रेशो के रेशो में ये फोल्ड हो जाती है। अगर आपके पास सामान ज्यादा है तो आप उनको फोल्ड भी कर सकते हो। दोबारा वही सवाल करूंगा कि गाड़ी में दिक्कत आपको क्या क्या लगती है? अच्छी चीजें तो आप सब बता चुके हो, हाँ तो मतलब लोग देखो, भी काफी जब मैंने गाड़ी ली थी उससे पहले मैंने रिव्यूज देखे थे, लोग कहते हैं कि इसके हेडलैम्प्स की है ना पावर कम है, मुझे भी बट लगती है आपको भी लगती है, बट मुझे महसूस नहीं हुई क्योंकि मैंने फॉग लैम्प लगवाया हुआ, शायद जस्ट थोड़ा सा हाँ इम्पैक्ट आता है उससे तो इतना इससे ज्यादा। इम्पैक्ट आता है, तो जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। लोग कहते हैं कि इसके जो सस्पेंशन है काफ़ी हार्ड है। देखो अर्बन एसयूवी बोल रहे हो तो थोड़े से स्टिफर साइड मिलेंगे ताकि बिल्कुल गाड़ी का रोल कम हो। बॉडी रोल अगर कम आप हाँ रहता बॉडी रोल कम हो, आप ऑफ रोडिंग पे जाते हैं तो आपको महसूस होगा कि गाड़ी बहुत पकड़ के चल रही है चीज़ को। इनफैक्ट आप इसको 100 की स्पीड रिकमेंडेड है जैसे, बट 140 पे भी लेके जाते हैं हाईवे पे तो गाड़ी रोल नहीं होती है, बिल्कुल रोल नहीं होती है। थोड़ी बॉडी की बात करोगे ना तो बॉडी थोड़ी, जैसे मारुति बदनाम है जिस चीज़ के लिए, वही चीज़ इसमें भी है कि गाड़ी की बॉडी जो है ना थोड़ी हल्की है, बट शिफ्ट से फिर भी बेटर है हो मेरे सकता है। नज़र में। मैंने इतना कंपैरिजन नहीं किया, पर जैसे पता है ना अगर जब कोई डेंट मारता है थोड़ा सा भी तो पता चल जाता है कि हाँ दूसरी गाड़ी होती तो शायद सहन कर लेते। प्राइसिंग देखो, मेरे लिए गाड़ी खरीदने का एक ही पर्पज़ था कि कहीं भी मैं जाऊँ तो गाड़ी है ना कहीं खड़ी नहीं होनी चाहिए, कहीं फंसनी नहीं चाहिए। बिल्कुल तो इस गाड़ी में वो सारे फीचर्स थे जो मुझे एक एसयूवी में चाहिए या ऑफ रोडिंग वाली कार में चाहिए। क्योंकि मैंने है ना काफ़ी सारे ऑफ रोडिंग ट्रिप भी किए, जैसे सच पास की बात करोगे, लद्दाख की बात करोगे, स्पीति अभी मुझे जाना है तो मैंने सोचा था कि मैं जब इग्निस लूँगा तभी जाऊँगा स्पीति। अच्छा हाँ इनफैक्ट अभी मैं बद्रीनाथ होकर आया हूँ और बहुत सारे मैं गंगोत्री होकर आया हूँ। तो गाड़ी जो होता है ना, आपको अच्छी हैवी गाड़ी कार चाहिए होती है जो आपको लास्ट लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस दे सके। तो आप कितना लंबा इस गाड़ी को रखने की सोच रहे हो? देखो यार, ये है ना बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि कितना लंबा रखने की सोच रहा हूँ। वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या जरूरत है, आपकी जरूरत क्या है, क्या शौक है आपका। लोगों बिल्कुल के शौक होते हैं कि म्यूजिक सिस्टम चेंज करा लेते हैं, ये ग्रिल अपग्रेड करा लेते हैं, स्पॉइलर और लगवा लेते हैं, स्कार्टिंग लगवा लेते हैं, तो ये सब शौक वाली चीजें हैं यार। कि अगर आपको लगवानी है लगवाओ, नहीं लगवानी मत लगवाओ। इस गाड़ी को लेके काफी ना अटकलें भी चलती रहती है कि ये गाड़ी बंद होने वाली है क्योंकि सेल्स इतनी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन ये गाड़ी बंद होगी मतलब काफी लोग हैं जो इस गाड़ी को बाद में याद करेंगे कि हाँ यार एक देखो इतनी हार्डली मैटर, मेरे प्रैक्टिकल। मेरे लिए हार्डली मैटर, अगर गाड़ी बंद भी हो जाती है तो हार्डली मैटर। इको स्पोर्ट बंद हुई क्या, उसका चार्म कम हो गया मार्केट से? नहीं नहीं, हुआ है। बढ़ जाता है उल्टा, लोगों को समझ में आता है कि यार एक अच्छी गाड़ी थी बंद हो गई। ठीक है, अब मतलब जिस प्राइसिंग में आपके पास, अगर इस प्राइसिंग में आप ढूंढोगे तो उधर टियागो मिलेगी आपको। देखो ये तो मारुति की यूएसपी है ना कि आपको स्पेयर पार्ट्स जो है वो अनलिमिटेड टाइम तक मिल जाएंगे। तो आप अगर दूसरे, मारुति 800 की भी बात करो पुराने सेगमेंट की, उसके पार्ट्स आज भी अवेलेबल हाँ होंगे, राइट? बिल्कुल, लोग आज भी चला रहे हैं तो पहाड़ों में। उसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है कि अगर गाड़ी बंद भी हो जाए तो। और आप ये गाड़ी दूसरे लोगों को रिकमेंड करते हो? बिल्कुल, जिसको हैचबैक लेनी है, छोटी कार लेनी है फैमिली कार पर्पस के लिए, तो बेस्ट कार है ये। तो विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना टाइम देने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि इस गाड़ी में क्या खास है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वैल्यू ड्राइव को। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।